जो आपका थर्ड लॉ है बेटा, तीन लॉज आपने मोशन के डिस्कस किए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में तो आपने सिंपली कह दिया था कि आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है, चाहे वो स्टेट उसका रेस्ट वाला हो, चाहे मोशन वाला हो, कोई भी स्टेट हो, अनलेस और अनटिल वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सेकेंड लॉ में आपने कहा था आपका जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और बेटे वहां पे आपको फोर्स जो है डी पी बाई डी टी करके आपने फोर्स का डेफिनेशन वहां से दिया था। डेफिनेशन के बाद आपने फिर फोर्स का डेरिवेशन एम इन टू ए की फॉर्म में कर भी लिया, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं आपको आता है, अच्छी बात है। थर्ड लॉ के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा एक बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये क्या है, हम कैसे स्टडी कर सकते हैं बेटा। थर्ड लॉ जो है बेटा, इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज का एंड दे एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज बेटे। जिस बॉडी पे एक्शन है रिएक्शन उस बॉडी पे नहीं होगा, ये किसी और बॉडी की होगा, अलग बॉडी पे होगा। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं एक, ये एक आप टेबल इमेजिन कर सकते हो बेटा। टेबल की सरफेस पे आपने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ये ऑब्जेक्ट है आपका। हमेशा याद रखिए जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है दैट एक्ट्स वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मीनिंग ये हुआ वेट जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट किया और ये होता है एम इंटू जी के बराबर। ये वेट टेबल की सरफेस पे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। इसको एक्शन भी आप कह सकते हो बेटा, ये आपका एक्शन है और रिएक्शन बेटे आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ये रिएक्शन बुक के ऊपर एक्ट करेगा बेटा। रिएक्शन इज एक्टिंग ऑन द बुक और द ऑब्जेक्ट यू हैव प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। एक छोटा सा और एग्जांपल लूंगा बेटा मैं, आइए देखें। एक रॉकेट की बात करेंगे, रॉकेट टेक ऑफ करते टाइम कैसा होता है, कैसे ये सारा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये इमेजिन कर लीजिए एक रॉकेट है, रॉकेट लग रहा है कि नहीं? नहीं क्यों? ये अच्छा आपको बेटे रॉकेट ऐसा ही होता है, अगर आप चलिए ध्यान से समझिए एक बार फिर से। इसमें बेटे ये कंटेनर होता है, कंटेनर में आपका फ्यूल होता है और इंजन होता है। इसमें इंजन ऑफ द रॉकेट होगा प्लस बेटा फ्यूल होगा, दोनों चीजें होंगी, ये सारे का सारा फील्ड होता है, खाली नहीं होता, ठीक। और यहां से एग्जॉस्ट गैसेस के लिए नोजल छोड़ा होता है उन्होंने, कभी आप देखते हो जब वो आपके ये क्या है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन पे जब वो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, यहां से एकदम से बड़ा धुआं सा निकलता है, चारों तरफ धुआं फैल जाता है, फिर आप देखते हो कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। सो बेसिकली वो इस फ्यूल को तीन स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं।
लोअर स्टेज में आपका फ्यूल गैसियस फॉर्म में हो सकता है, फिर लिक्विड में सॉलिड फॉर्म में भी होता है। तो ये पार्ट जो आपका ये देख रहे हो, आपको हेड लग रहा है किसी चीज का, ये ऐसा हेड नहीं है, यहाँ पे सैटेलाइट होता जिसको आपने अर्थ के राउंड अबाउट ऑर्बिट में लॉन्च करना है, ये यहाँ पे होता है। और ये आपको कैप सा जो लग रहा है कि पता नहीं किसी की कैप पहनाया हुआ है, ऐसा नहीं है ये बेटा। जब आपका रॉकेट टेक ऑफ करेगा और जैसे जैसे ये स्पीड अप होता जाता है, एयर का फ्रिक्शन बहुत बढ़ता है, एयर का रेजिस्टेंस बहुत बढ़ता है, कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा राइज ना कर जाए, कहीं इसको आग ही ना लग जाए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये एक हाईली ऐसी सरफेस, ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि एयर डायरेक्टली आपके सैटेलाइट के साथ कांटेक्ट में ना आए, फ्रिक्शन ना हो और इसका टेम्परेचर ना बढ़े। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो सैटेलाइट लॉन्च करना था, ऊपर जाते जाते ही एयर का रेजिस्टेंस फेस करके टेम्परेचर बढ़ गया, उसका जो इंटरनल सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वो खराब ही हो गया। ऊपर जाके आप देखेंगे तो वो भेज कुछ नहीं रहा है, तो वो ऑलरेडी खराब हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसको कवर कर दिया जाता है, ये सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग लेयर अडॉप्ट कर लिया जाता है, राइट बेटा। अब व्हेन द रॉकेट इज टेकिंग ऑफ, आप फ्यूल को बर्न करना स्टार्ट करते हो, यहाँ नोजल से एग्जॉस्ट गैसेस बड़ी तेजी से निकलती हैं, ठीक है जी। ये आपका एक्शन हो गया बेटा, इट इज एक्टिंग ऑन द ग्राउंड। और रिएक्शन क्या होगा, ये रॉकेट पे एक्ट करेगा, ये रॉकेट जो है ये टेक ऑफ कर जाएगा धीरे धीरे। वंस इट इज इन द एयर, एग्जॉस्ट गैसेस का ब्लास्ट और बढ़ता चला जाता है और इसकी रिएक्शन और बढ़ती जाती है। और ये भी चीज माइंड में रखिए, जब ऐसा हो जाएगा ना पुत्र, तो बेसिकली आपका फ्यूल टैंक भी खाली हो रहा है, फ्यूल का जो है मास वो भी कम हो रहा है, इसका अपना वेट भी तो कम हो रहा है। जैसे आप कह रहे थे मोटा लग रहा है जी, तो इसका मोटापा भी तो कम होगा ना, जैसे जैसे फ्यूल इसका जो है कंज्यूम हो जाएगा। आई मीन टू से दैट इट विल बिकम लाइट वेट, और लाइट वेट ऑब्जेक्ट को रिएक्शन जल्दी से ऊपर उठा के ले जाएगा बेटा। सो दिस इज द प्रिंसिपल। तो बात हमने करनी इसकी नहीं थी, बात हमने सिर्फ एक्शन और रिएक्शन की करनी थी। एक्शन इज एक्टिंग ऑन द ग्राउंड बेटा, रिएक्शन इज एक्टिंग ऑन द रॉकेट, इट इज हेल्पिंग द रॉकेट टू टेक ऑफ इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, राइट बेटा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल डेली लाइफ से दे रहा हूं आपको, ये बोर्ड है, इसको मैं अगर ऐसे पुश करूं, धक्का लगाऊं अगर, तो एक्शन बोर्ड की सरफेस से हो रहा है और हैंड मेरे जो है, अब क्योंकि बोर्ड तो मूव करेगा नहीं, मसल्स कंप्रेस होंगे, रिएक्शन विल बी ऑन द हैंड। सो इन दिस वे बेटे आप इन चीजों को इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दोनों अपोजिट बॉडीज या डिफरेंट बॉडीज पे ही एक्ट करते हैं। कई बार आपके एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि अगर जी ये इक्वल भी हैं अपोजिट भी हैं तो ये कैंसल आउट क्यों नहीं कर जाते? यस, क्योंकि ये एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं करते हैं, अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं, दैट इज व्हाई दे डोंट कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। क्लियर? हाँ जी, सबको क्लियर है पुत्र। अब जरा बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा डिटेल में कि मोमेंटम कंजर्वेशन है क्या और हमें इस मोमेंटम कंजर्वेशन की, अच्छा पुत्र एक इसकी एप्लीकेशन भी हमने की थी बड़ी डिटेल में, कौन सी थी वो भूल गए? रिकॉइल ऑफ द, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आइए, वॉइस इज कमिंग वेरी स्लो पनिका, मैं तो बड़ी बेटी लाउडली बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस कम है? तो आपका माइक बेटे उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बेटे बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम,
स्टेटमेंट पार्ट हमें कहता है कि जो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड बेटा। अब बेटी आइसोलेटेड सिस्टम का कोई आप बता सकते हो क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम बेटा? वेरी नाइस बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है बेटा जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है। मैं लिख भी देता हूं, आइसोलेटेड सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम अपॉन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग बेटा, इज एक्टिंग। अब हमने बेटे इसी चीज को प्रूव भी करना है, हम कैसे शो कर सकते हैं कि मोमेंटम सच में कंजर्व्ड रहता है? तो उसको प्रूव करने के लिए आप एक बॉल, एक ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लीजिए। आई थिंक हमने यही एग्जांपल लिया होगा, आपने इसका नाम ए रखा होगा, मास इसका एम वन, वेलोसिटी यू वन, कुछ ऐसा ही किया था, और एक बॉल आपके पास बी, मास इसका एम टू, वेलोसिटी इसकी यू टू, तो फिर आपने ऐसा भी लिखा होगा, जरूर चेक करिएगा, है ना। अगर इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, सेम डायरेक्शन में है दोनों मूव कर रहे, तो दोनों यहां पे बेटा जी कोलाइड कर जाएंगे, दोनों के बीच में कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद आपका जो दोनों बॉडीज का एक दूसरे से सेपरेट, ये दोनों बॉडीज हो जाएंगी। आइए देखें सेपरेट होने के बाद ये किस तरीके से मूव कर रही है। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट बेटा। ये आपका कोलिजन के बाद ए ऑब्जेक्ट मास एम वन, इसने वी वन वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक, और आपका बी ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद एम टू इसका मास था, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी इसकी बदल गई, वी टू हो गई। जब कोलिजन हुआ है दोनों के बीच में, तो यहां पे आपका एक्शन एंड रिएक्शन वाला कंसेप्ट जो है, वी विल हैव टू अप्लाई दैट कंसेप्ट बेटा। आपका बी बॉडी पे जो फोर्स लगेगा, आपने इसको डेफिनेटली फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू द ऑब्जेक्ट पे बोला होगा, या टू वन बोला होगा, कुछ ऐसे लिखा होगा आपने। ये एक्शन है, रिएक्शन आपका ए बॉडी पे होगा, और आपने ये जरूर लिखा होगा फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू द ऑब्जेक्ट बी। आपने कलेक्टिवली इसको एफ बी ए या एफ ए बी नहीं कहना है, राइट। न्यूटन सेकेंड लॉ आपको याद है, आप बताओगे बैठिए, आप रिजल्ट बता रहे हैं बेटे सेकंड लॉ का, मैं सिर्फ बिगनिंग पार्ट पूछ रहा हूँ, स्टेटमेंट पार्ट। आप डायरेक्टली रिजल्ट पे पहुंच गए हो, गलत नहीं मैं कह रहा हूँ। बिलन सिंह जी आप बताइए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, भूल गए, बैठो, आप में से कोई इधर बैठे, एनी वन फ्रॉम दिस साइड, नहीं, यस, वेरी गुड, आप भी बता दीजिए, वही वाला,
दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. आपको याद भी होगा आपने कुछ ऐसे लिखा था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. ये साइन को आपने बोला था डेल्टा, ठीक है. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी. एफ इज इक्वल टू के द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डेल्टा पी चेंज इन द मोमेंटम डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन. के को आपने बोल दिया था वन एंड एफ वाज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी. चेक करिएगा यही किया था, ठीक है जी. करना हमने मोमेंटम कंजर्वेशन है, बीच में ये बात आ गई थी तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया. अब थोड़ा सा फोकस करिएगा अगेन. आप जब बात करोगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए की, आपका फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ये आपका एक्शन है बेटा, तो रिएक्शन आपका ये होगा फिर. और रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो फोर्स ऑन ए, ऐसे लिखा जा सकता है ना. एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर भी हैं, अपोजिट भी हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं. फिर से इसको देखिए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये बी पे फोर्स एक्ट कर रही है तो इट मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी. तो क्या इसको मैं चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी डिवाइडेड बाई टाइम टी लिख सकता हूं. एंड ऑन द अदर साइड चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए डिवाइडेड बाई टाइम लिख सकता हूं बेटे मैं, चेक करिए जरा. राइट, टी टाइम आपका दोनों का सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा और आप अच्छे से लिख सकते हैं कि डेल्टा पी चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी दिस इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए. राइट, आप बताइए आप बी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया है. यस बेटा डियर, बी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया है. एक मिनट मौका तो दो उसको. यस बेटा, हाँ जी, कहता पता नहीं जी या नहीं आया नहीं है. बैठिए, आपका साथी बेटे. बॉडीज आपके सामने है, ये बॉडी बी है, इधर भी बॉडी बी है, तो मोमेंटम में चेंज बताइए देखिए कितना आया. बी टू तो वेलोसिटी होती है. बैठो. यस विलन, उठ के भाई, ऐसे नहीं उठ के बोलो. मास का कैसे चेंज आ गया भाई, मास तो सेम है, इधर भी एम टू है, इधर भी एम टू ही है. मास बैठो. देखो बेटा, मुझे लगता है आप भूल गए हैं सारे बच्चे हैं. बोलो बढ़िया. बैठिए बैठिए बैठिए. बी बॉडी का फाइनल मोमेंटम कितना है, इनिशियल कितना है, उनका डिफरेंस ले लो. और मोमेंटम क्या होता है ये तो नहीं भूल गया कहीं. मोमेंटम क्या होता है पुत्र. बैठिए. यस, मोमेंटम इट इज. बैठिए. गुड, आप मोमेंटम. हाँ जी हाँ जी, आप डिफाइन द टर्म मोमेंटम. ठीक है, मैथमेटिकली किसके बराबर होता है ये. यस, ये आपका मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है बेटा. तो आपको अकॉर्डिंगली इसको
मैनेज करना पड़ेगा। सो बड़े ध्यान से देखिएगा, मोमेंटम आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब आप बी बॉडी के मोमेंटम में चेंज निकाल रहे हो, बी बॉडी का मोमेंटम फाइनल यहां से निकलेगा, इनिशियल यहां से निकलेगा, तो डेल्टा पी ऑफ द बॉडी बी ये बन गया एम टू बी टू माइनस एम टू यू टू। ये आपके बी बॉडी का मोमेंटम निकला चेंज मोमेंटम में। ए बॉडी के मोमेंटम में चेंज कितना आएगा जी, डेल्टा पी ए एम वन बी वन एम वन। अब आपको समझ आया अच्छे से, आई थिंक ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दें फिर इसमें, इस इक्वेशन में कर दें। चलिए चलिए वैल्यूज पुट करें और देखें हमें रिजल्ट क्या मिलता है। ये वाली लाइन रब कर दूं बेटा, ओके। सो वी हैव फर्दर दैट डेल्टा पी बी ये था आपके पास एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, दिस इज देयर। ऐसे मैनेजेबल है ना बेटा, ये साइन को अंदर एडजस्ट कर लीजिए, एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू माइनस एम वन बी वन माइनस माइनस प्लस एम वन यू वन, राइट। इधर ये नेगेटिव साइन वाला टर्म इधर ले आइए, ये नेगेटिव साइन वाला इधर ले जाइए, करें एडजस्टमेंट और लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट बेटा। आफ्टर मेकिंग दिस एडजस्टमेंट दिस इज गोइंग टू बी एम टू वी टू, हां जी लिखवाइए, प्लस आगे लिखवाइए उधर, हां जी एम टू नहीं यू टू होना चाहिए, ये लेके गए ना उधर है ना। ये आपके बी बॉडी का फाइनल मोमेंटम, पी फाइनल ऑफ द बॉडी बी लिख दूं ऐसे, समझ आ जाएगी आपको। और ये आपके पास पी फाइनल ऑफ द बॉडी ए लिख दे, समझ आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू पी इनिशियल ऑफ द बॉडी ए लिख दें, समझ आ जाएगा। इधर पी इनिशियल ऑफ द बॉडी बी लिख दें, ए और बी दोनों बॉडीज का फाइनल मोमेंटम कलेक्टिवली पी फाइनल लिख दूं पुत्र, ए और बी बॉडीज का इनिशियल मोमेंटम कलेक्टिवली पी आई लिख दूं, लिख दिया इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ, आप ये भी कह सकते हो आपका मोमेंटम पी जो है दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यही चीज आपने प्रूव करनी थी। कोई डाउट हो किसी भी बच्चे को तो बताइए। यस बेटा, आप कुछ कह रहे थे बुक से बेटे, बताइए। हाँ जी बेटा, ये देखिए बेटे क्या है, कहाँ से शुरू होता है ये। हाँ जी बेटे, फर्स्ट लॉ के साथ रिलेटेड उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडिया ऑन द फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड थ्री फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। दीज थ्री फंडामेंटल लॉज आर फोर्सेस नीडेड टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन। आइए ये वाला पॉइंट आपको समझा दूं मैं। उन्होंने तीन इंक्लाइन प्लेन्स आपको बना के दिखाए हैं, पहले तो वो समझिएगा।
ये इंक्लाइन प्लेन आपको ऐसे दे रखा है और फिर ऐसे चला जाता है ये। आपने यहां से एक बॉल को रोल किया नीचे को, ये बॉल ऐसे आएगा आता 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 सेम हाइट तक राइज कर जाएगा, फिर वापस गिरना स्टार्ट हो जाता है। जब आप बड़े हो जाओगे आपको लैब में ये एक्सपेरिमेंट भी करवाएंगे, ठीक है। अब जितनी पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ है इसके पास, उतनी ही इधर होनी चाहिए, या जितनी टोटल एनर्जी इधर है उतनी ही इधर भी होनी चाहिए, ये बेसिकली प्रिंसिपल होता है। अब उन्होंने बीच में एक लाइन लिखवाई है आपको यहाँ पे कि नो फोर्स इज नीडेड टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन। यही है ना बेटा, आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ में किया था एफ इज इक्वल टू एम इन टू बी माइनस यू अपॉन टी, ये किया था आपने। अगर मैं कह दूं कि फोर्स कोई भी एक्ट नहीं कर रही और मोशन यूनिफॉर्म है, बेटे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है जितना वी है यू भी उतना ही होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन तो यही हुआ, अगर जितनी वेलोसिटी इनिशियल है फाइनल बराबर होगी तभी मोशन आपका यूनिफॉर्म होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता, राइट जी। यू की जगह पे या वी की जगह पे दूसरी वैल्यू पुट कर दूं मैं, आइए देखें हमें क्या मिल जाता है। एम ये लो मैंने वी की जगह पर, यू की जगह पर वी पुट किया, डिवाइडेड बाई टी आ गया है सच। बेटे वी माइनस वी कितना होता है मिलन, बी माइनस बी कितना होता है, पक्की बात है सच में, चलिए मान गए आपकी बात। तो एफ विल बी इक्वल टू जीरो। तो बेटे देखो इंटरेस्टिंग, आप कहोगे कि जीरो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक ए बॉडी टू मूव यूनिफॉर्मली, या जीरो का मतलब होता है नो फोर्स, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी विद द यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर ये भी कह देते हैं, हाउ विल यू डिराइव फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकंड लॉ, वी डायरेक्टली कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी, ये सेम पहले जितनी थी बाद में भी उतनी है ना, अनलेस और अनटिल आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। और अगर मैं ये कह दूं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है इट इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ, कोई गलत बात नहीं इसमें भी। आप ये भी कह सकते हो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है इट इज ए स्पेशल केस ऑफ व्हाट बेटा, सेकेंड लॉ। यस जी, हो गया काम क्लियर। और कोई बताइए पॉइंट आपको ना पता चला हो तो मैं करवा दूं, वी हैव 1 or 2 minutes विद अस स्टिल। कितने पे वैल्यू नहीं है हाँ? ओके ना ना, हाँ जी हाँ जी बेटे सुनिए एक मिनट के लिए, जब आपका वी यू के बराबर है तो डायरेक्टली इसका मीनिंग ये है कि एक्सेलरेशन जीरो हो गई है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब यूनिफॉर्म मोशन ही होता है, ठीक है बेटा। अगर आपकी वेलोसिटी नहीं बदले सेम रहे, इसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हो कि नहीं, इसी को बोलते हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज बीइंग डिपिक्टेड इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस, वो हम अदरवाइज लैंग्वेज की फॉर्म में बोल देते हैं, यहाँ पे ये लेटर्स की फॉर्म में मैथमेटिक्स की फॉर्म में आपके पास आ गया बेटा, राइट बेटे। कल बात कर लो, कोई बात नहीं, ओके बेटा, थैंक यू ऑल।